मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गांव को प्रधान बनेगा, ये सबका अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगा। तू कर लियो भाई खुद के फैसले खुद, लेकिन सबसे पहले तू बोलना सीख। अच्छा मैट्रिक अगर मैंने पास कर लिया है, मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गाँव को प्रधान बनेगा। तू पहले खैनी निकाल मुँह से, उसके बाद बोल भाई। निकाल थूक, उसको थूक बगल में। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये भाड़े का कोट पहन के जो तुम नेटवर्क मार्केटिंग का इतना भयंकर वाला वर्चस्व फैला रहे हो ना, कि हम ये ले रहे वो ले रहे, और स्प्लेंडर पे तुम ऐसे बैठे हो, मतलब कुछ भी। मेरे भाई तूने गाड़ी तो ले ली है, किस्त कौन भरेगा इसका? बगल में वो देखो उस लड़की को, अरे उसका भी इंटरव्यू ले जाके, उसका मुंह देख के सा, और का मेरा भी लेगा, वो पहले से डरी हुई है वो। आगे क्या आएगा आपकी जिंदगी? आगे सर लैपटॉप आएगा, लैपटॉप के बाद हमारी यहाँ से कार भी आएगी। कार तो ले लेगा भाई, लेकिन कार चलाएगा कैसे, क्योंकि तेरे को बाइक तो भी चलाना आता नहीं है, और बाइक थोड़ा है ना हिसाब से चलाइयो, किस्त भी टाइम पे भर दियो, वरना है ना कहीं रिकवरी वाले आके गाड़ी ले जाए उठा के। काली गाड़ी पे सारा काला कोट, काला पेंट, काला चश्मा, काला आदमी, ऐसा लग रहा पूरा कौवा। नहीं मैं बिल्कुल बेइज्जती करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि मैं कल कार लेके आऊंगा, अरे भाई मेरे पास तो 2 लाख ऑडियंस है लगभग, तो मैं कल क्या लेके आऊंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम पुष्पा है, प्रयागराज से हूँ सर। नहीं मैं इसको जॉब करके ली हूँ, नहीं नौकरी से ली हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये नेटवर्क मार्केटिंग ली हूँ। वाह वाह वाह, इसकी तो मेरे को इसका शकल एक बार जूम करते इस लड़की का। इसका शकल देख के लग रहा है ये गली मोहल्ले में लड़ने वाली औरत है। इसको कोट बीट पहना के तुमने स्कूटी पे बिठा दिया, इसका मतलब कहीं की मैनेजर हो रही है क्या ये? कुछ भी। नेटवर्क मार्केटिंग से स्कूटी आपने ली है, स्कूटी कीमत क्या है मैम? सर स्कूटी की कीमत है 85,000। मैं अगर अभी पूछ लूं से स्कूटी का नंबर क्या है, अरे स्कूटी का कंपनी पूछ लो ना, वो इसको नहीं मालूम होगा, लेकिन उसको बता दिया कि तुमने अमाउंट बोला 85,000 का। 85,000 में कितने जीरो होते ये नहीं मालूम होगा इसको। बात सही है। मैम एक चीज मुझे बताइए कि नौकरी करती आप या कोई और धंधा करती, कोई और काम करती है? तो फिर यार ये काला कोट पहन के काला चश्मा लगा के इतनी महंगी गाड़ी पे ऐसे बैठ के कैसे चिल मारती? मैम एक चीज मुझे बताइए कि नौकरी करती आप या कोई और धंधा करती? एक मिनट मेरे भाई, इधर तो मेरा ध्यान नहीं गया। एक मिनट, इसने खुद ने कहा भी गाड़ी नहीं है, थोड़ा जूम करते साला, गाड़ी का ये साइड ग्लास किधर गया? ओ भैया धोखा, साला पुराना गाड़ी पे माला पहना के तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को यार? ऐसे करके ऑडियंस को मत बनाओ, मैं सब समझ में आ रहा है, पब्लिक को भी तुम बना रहे हो, मुझे मैं नहीं बनूंगा, मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा आगे का आपका सपना क्या है? सर आगे का सपना मेरा है कार का सपना। अरे क्या इनका सबका सपना एक जैसा है क्या, किसी का अलग नहीं है क्या? नहीं। तू कार बाद में लाना, लेकिन सबसे पहले तू ना ये कोट जमा करके आ, जहाँ से लेके आई है वो धोबी है ना कोट ढूंढ रहा है, ज्यादा लेट हुआ ना तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा। क्या बोल रहा है? आ जाएगी कार? जी बिल्कुल आ जाएगी कार। तो मैं भी दावे के साथ बोलता हूँ, इस वीडियो पे 5 लाख व्यूज आएंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जैसे इसका कॉन्फिडेंस है ना वैसा मेरा भी कॉन्फिडेंस है। साला एक होता है कि आदमी ऐसे गरीब लगता है, ये सारे सकल से गरीब लग रहे सारे। नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से आपने स्कूटी ली है? जी सर। मेरे पास कुछ भी नहीं है शब्द बोलने के लिए, बस इतना समझ में आ गया, अब से YouTube बंद करके मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो इधर कुर्सी में बैठ के मैं इंटरव्यू यहाँ पे मुंह खोल रहा हूँ अपना, मैं स्कूटी में बैठ के कल को अपनी गाड़ी में बैठ के खोलूंगा तो ज्यादा अच्छे से व्यूज आएंगे। अच्छा आपके घर के हालात कैसे थे पहले? हमारे घर के हालात बहुत खराब थे, अभी भी खराब है। क्यों भाई, अब तो तू लाखों कमा रही है, स्कूटी ले रही है, खुद का स्कूटी चलाएगी, रोड पे पेट्रोल जलाएगी, उसमें घर के हालात अभी भी क्यों खराब है? कार भी आप लेंगे तो थाईलैंड भी जाएंगे? थाईलैंड भी घूमने जाएंगे। कार तक ठीक था भाई, थाईलैंड वाली बात नहीं हुई थी, अगर थाईलैंड भेज रहा है नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे को जाना। चल 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 चल, इधर मुश्किल से महीने में कुछ कमा पाता हूँ, उधर जाऊंगा बहुत बहुत कुछ गया तेल लगाने में, साला थाईलैंड जाऊंगा उधर सैंडविच मसाज कराऊंगा ऐसे करके। बड़ा हरामी हो। मेरे को आज कोई बोले ना भाई कि तू पृथ्वी से मंगल तक पैदल चल के जा सकता, वो एक बार के लिए मान लूंगा, लेकिन ये कंट्रोल, इनकी खुद की गाड़ी है और कल को कार लेने वाले, ना 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 ना, ना। भाई तू जहर खिला दे मेरे को मरवा दे, लेकिन मैं ये चीज नहीं मानूंगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग, मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। ये लोग 9,000 कमा के इतना कॉन्फिडेंस में, इनके पास खुद का कोट पैंट है। इधर मैं दिखाऊँ मेरी रियलिटी, साला मैं चट्टे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोट एक
क्या मेरे पास? नहीं। एक तो ये लोग इतना भयंकर वाला लोगों को ऐसा करके ऐसे अपने जैसे तंत्र मंत्र सम्मोहित करते हैं ना कि पता नहीं कौन इनके साथ जाके जुड़ जाता है। इधर मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो तो भी लोग नहीं करते, उधर साला पूरा करियर बर्बाद करने के लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको डायमंड बनना है। आज मैडम ने हमारे साथ में काम करना शुरू किया, आज 1 लाख की स्कूटी अचीव कर चुकी है। 1 लाख की स्कूटी आपने ली है ना? मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, इनके शकल देखो एक बार, खुद इनके शकल से लग रहा है कि ये लोग फंस गए इधर आके, लेकिन क्या करे। अब वो बंदे ने बोला है कि तारीफ करनी है तुमको भाई, बताओ तुमको कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 1.5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आपने जनरेट किया और 50 लाख प्लस की आपने कार BMW अचीव किया। असंभव असंभव असंभव, ये कार इसकी नहीं हो सकती, साले का शकल देखो, ये इसके पास खुद की साइकिल नहीं होगी, BMW। ओ भैया धोखा। RTO से मेरा कहना है इस गाड़ी के नंबर से चेक करो, अगर इसकी कार नहीं निकलती है ना साले को 2-3 बार जेल में डालो एक साथ। एक बार भाई मेरे लिए तो इस बंदे को बोलिए कार चला के दिखा। अरे कार छोड़, एक बार इसके चश्मे पे नोटिस कर लो, ये पक्का 50 रुपए सुपर का चश्मा नहीं है। गजब डूबी बाज आदमी। इससे पहले मैं भाटा जा रहा था सर। अच्छा। भाटा में साले को 2 बार में भाटा बुला में आ रहा। अभी इसकी देना खुद की बाइक होगी जो आगे खड़ी है। किसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? मेरा मामा मिस्टर जयराम सर के लिए। अच्छा, उनके लिए जोरदार ताली। भैया कहां जयराम सर, कहां पे हैं? आहा साला, ये मामा, इस मामा को मार देने के, कंस मामा से भी खतरनाक ही है। बात सही, आपने अपनी जिंदगी तो बदली बदली, साथ में इनकी भी जिंदगी बदल डाली। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की साथ में इस बदले भाई, वो भट्टा पे उससे ज्यादा कमा रहा होगा कुछ नहीं तो 300 रुपए तो रोज के मिल रहे होंगे। भाई चलिए चलते हैं, आपके कार रिसीवर से मिलता हूं सबसे पहले। अबे लोकी के विलन, तू इधर क्या कर रहा है? तो चलिए अपने कार का इंट्रोड्यूस कराइए, कौन सी है आपकी कार? अबे इसको इसकी कार ढूंढने में इतना टाइम। अच्छा फाइनली मिल गई, इसको 4-5 बार देखा, कौन सी कार को अपनी बताओ। गजब डूबी बाज आदमी। और जो सर एक रिटायर होके सर जो 4-व्हीलर लेते हैं सर, मैं यहाँ पे मात्र 4 से 5 महीना में अचीव किया हूँ। 4 से 5 महीने मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं सुनना इनकी बकवास, मैं परेशान हो गया हूँ, इतना करोड़ों में बात करते हैं, इनकी बहन का मैं कह रहा हूँ, उनके पास गाड़ी और कोर्ट का भाड़ा भरने का जेब में भी पैसा नहीं होगा, कोई जेब चेक कर ले इनके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे लीडर हैं, 3-3 करोड़ एक एक आदमी की जिंदगी की कमाई क्योंकि वो लोग ड्राइव में कर रहे हैं। ऐसे बैठ के बोलूं समझ में आएगा ना भाई? तो देखो एक बार है ना, जूम करो इनके शकल पे, ऐसे ऐसे जूम करता हूँ, सालों का चेहरा देख लो, सारे गोटे जैसे चेहरे वाले बंदे यहाँ पे आके बोल रहे कि मेरे पास करोड़ों की कार है, ये है लग्जरियस लाइफ है, मतलब अंबानी कहाँ? अंबानी जी, रतन टाटा, एलोन मस्क, ये सब क्यों इस दुनिया से दूर है? उनको पैसा नहीं कमाना क्या? पागल पागल है वो लोग, उनको फोन करो भाई, ऐसे काम नहीं होगा। अभी सिर्फ आप पृथ्वी पे राज कर रहे हो, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र, सब पे राज करोगे नेटवर्क मार्केटिंग मैन के बाद। आगे जो बंदा बोल रहा है इसको पूरा स्किप कर दो, पूरा पूरा। पीछे वाले बंदे को गौर से देखो एक बार, उसका चेहरा देख के लग रहा है कि जैसे गोटे मुरझा जाते हैं वैसे ये मुरझा गया। म्यूजिक, गजब बेइज्जती। 5 साल के अंदर आपने क्या कमाया सर? सर 50 लाख से ज्यादा कमाया। लगता है इनको इनके माँ बाप ने नहीं बताया, झूठ बोलना पाप है, गली गली में सांप है, इधर बेटा तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारा धंधा बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। पहले बोल देता हूँ मेरे भाई, तुम इससे अच्छा ईंट के भट्टे पे काम कर लो, तुम गली में चुनाई का काम कर लो, नाली साफ कर लो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना 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 बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, बाकी देखते हैं किसका बैंड बजाना, जिसका बजाना कमेंट बॉक्स में आके बता देना, और ऐसे मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।